डीएनए आप समझते हो, डीएनए, डीएनए इज द बायोलॉजिकल, द बेसिक बायोलॉजिकल नेटवर्क, द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट, जहाँ से हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक्स, हमारे मूड्स, हमारी इमोशंस, हमारी बॉडी कैसे आएगी, हमारा माइंड कैसे डेवलप होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे डेवलप होंगे, हम लोगों से कैसे बिहेव करेंगे, ये सब पैटर्न्स होते हैं डीएनए में. दीज आर लाइक प्रोग्राम्स, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम. देर इज अ स्पेसिफिक इनपुट, देर इज अ स्पेसिफिक आउटपुट, एंड देन वी बिकम अ विक्टिम ऑफ दिस डीएनए इटसेल्फ. बिकॉज हम कहाँ से डीएनए लाते हैं, हमें दिया जाता है बाहर से, कहाँ से लाते हैं, पेरेंट्स, फ्रॉम द एंसेस्टर्स. तो आपने कभी हमारे कल्चर में दो नाम सुना होगा, दोष करके, वास्तु दोष, पितृ दोष, मातृ दोष, ऐसे दोष. दीज आर नथिंग बट दी डीएनए. क्या मैं ऐसे उत्पटांग से बातें कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आपने कभी देखा ही है? आपने किसी के घर पे गए और अचानक से आप सिकुड़ गए, या किसी के और घर पे गए, यू स्टार्टेड टू लव, यू स्टार्टेड टू बी इन हैप्पीनेस. कैसे? बिकॉज उधर के वाइब्रेशंस है वो आपको वैसे अलाउ कर रहे हैं, आपके डीएनए को खिलावट देने की वो गुंजाइश है उनमें. तो हमारे डीएनए, तो उसमें दो टाइप होते हैं, एक जेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, वो है वो चेंज नहीं होता, मगर जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो एनवायरमेंट से चेंज होते रहता है. और इसको ही बोलते हैं, आज का नया साइंस है, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स. पहले के जेनेटिक्स बोलते थे दैट योर डीएनए कैन नॉट बी चेंज, यू आर अ विक्टिम ऑफ योर डीएनए, यू आर द विक्टिम ऑफ योर जीन्स. बट नाउ देयर इज अ न्यू साइंस, इवॉल्विंग साइंस, व्हिच टेल्स अस बियॉन्ड जेनेटिक्स. बट दिस बियॉन्ड जेनेटिक्स हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर कल्चर, इन योग, इन तंत्रा, एंड इन वेदास, एंड इन द उपनिषद्स. Since last 10,000 years, 20,000 years, 30,000 years, we have just become ignorant about it. Why? Of course, there is a kind of a barrier. Language का barrier है, हम उनको बुद्धू समझते हैं, संत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, हम उनको गालियां देते हैं आज के डेट में. अगर आपको क्या लगता है, who is in touch with the real, with the reality, with the truth? हम या वो? क्या लगता है आपको, संत लोग कनेक्टेड है ट्रुथ के साथ या हम? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? डेफिनेटली द सेंट्स, डेफिनेटली, बिकॉज़ वो जानते थे कि कैसे डीएनए को अल्टर किया जाए. बिकॉज़ हमारे भारत में दो प्रकार के एजुकेशन सिस्टम है. फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कैसी है कि द वे वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग टिल नाउ, एंड द सेकंड सिस्टम इज you sit beside a guru, you sit beside a master, and you start to download. The way he then looks into your eyes, the way he touches, the way you are in his presence, you start to transform. Is this possible? Is this possible? Kya ye possible hai? Yeah, the guidance too. Yeah, aise hi hota tha. Isko hi bolte hai DNA activation. Isko hi bolte hai epigenetics in real life. Jise ki aapne dekha hoga, ek vyakti ke aap एक व्यक्ति के प्रेजेंस में आते हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन डिप्रेशन, यू आर इन सैडनेस. बिकॉज वो व्यक्ति के इमोशंस कैसे थे, सैड के थे, या बहुत डिप्रेशन के थे, फियर के थे, और अचानक से विद इन टू मिनट्स यू आर ऑल्सो इन फियर. कभी आपने देखा है? या फिर अब इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि जो लेडीज का हॉस्टल होता है तो एक टाइम के बाद सबके जो साइकिल है वो सेम टाइम पे आते हैं. देखा है आपने? आप खुद अनुभव भी कर रहे होंगे, जो लेडीज है वो कैसे होता है ये, क्यों? बिकॉज आर डीएनए स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, आर डीएनए स्टार्ट्स टू कम्युनिकेट विदाउट द लैंग्वेज, विदाउट द लैंग्वेज. सो इट्स द लैंग्वेज ऑफ द वाइब्रेशंस, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द एनर्जी. सो ऑल आर टेक्स्ट्स, ऑल आर स्क्रिप्चर्स आर एंटायरली बेस्ड ऑन दिस साइंस ऑफ डीएनए एंड नेवल ऑफ द योग, बिकॉज द रियल योग इज ऑफ द यूनियन. सो मैं यूनियन में नहीं जा रहा था, मेरी जो कहानी थी, सॉरी थी, तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चले जा रहा था, एंड बहुत लाइफ में किसी के ना पीछे भाग रहा था, पैसे के पीछे, जैसे हम भागते हैं आज के डेट में लाइफ में, पैसे के पीछे भागो, या घर के पीछे भागो, या गाड़ी के पीछे भागो, या रिलेशनशिप्स के पीछे भागो, और किसकी तरफ भागते हैं हम, एक प्रकार के कंप्लेन ही होते हैं हमारे जीवन में, है कि नहीं? कंप्लेन होते हैं, क्या क्या होते हैं आप ही बताओ आपके जीवन में से. एंगर है, हेट्रेड है, जेलसी है, कंपटीशन है, इलनेसेस है, इलनेस,
हेल्थ के इश्यूज है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, ये क्या है ये सब? द वे वी बिहेव विद पीपल, हमें वैसे बिहेव नहीं करना रहता मगर हम कर देते हैं, ये क्यों है? हमें फेलियर तो नहीं चाहिए मगर वी आर स्टिल इन दैट, है कि नहीं? क्यों है ये सब? बिकॉज अपने अभी तक तो कोशिश तो की होगी ना ये सब चेंज करने के लिए, हुआ है अब तक दो लॉन्ग लास्टिंग चेंज? नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज हम जो बेसिक यूनिट है डीएनए पे काम नहीं कर पाते, डीएनए पे हम नहीं काम करते, और डीएनए के ऊपर जो है वाइब्रेशंस, जो साउंड थेरेपी टेक केयर करता है, जो हमारे पुरखों ने कुछ मेथड्स दिए हमें, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम सिर्फ आज के डेट में माइंड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड, ओवर एक्टिव माइंड। ओवर एक्टिव माइंड मतलब कैसे? बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारे ऐसी अफर्मेशंस, बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटी कहते हैं बैठने का। अगर ऐसे होता है जीवन में, ऐसे होता है आपने कह दिया चलो मैं आज प्यार में हूँ, अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस आए हो प्यार के, इफ यू स्टार्ट डूइंग ऑल दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप ऑफ थिंग्स बट यू आर नॉट एक्चुअली इन द इमोशन, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स विद द नेवल and then it starts with the your physical manifestation, it never starts with the mind, because aaj ke date mein aap mind to karte aa rahe ho istemal, hai ki nahi? Aur mind ke sath hi with the mind the faculties of ego, the faculties of fear, the faculties of survival, the faculties of separation, jo ahankar hai wo connected hai. To isliye aaj jo ye sound therapy hai na yoga hai, ye beyond mind hai. तो इसमें हमें माइंड इस्तेमाल ही नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही हम माइंड में आते हैं हमारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, है कि नहीं? और जैसे ही हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं क्या होता है फिर? जो जो साइंस के मेडिकल बैकग्राउंड से है, क्या होता है? इफ आर इमोशंस आर डिस्टर्ब, इफ आर मूड्स एंड फीलिंग्स आर डिस्टर्ब, व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज? द हार्मोन्स, रस, इसको कहते हैं रस आयुर्वेद में, संस्कृत में, है कि नहीं? रस बिगड़ते हैं हमारे, तो फिर हमें खाने का रस नहीं है, लोगों के साथ बात करने का रस नहीं है, खुद के साथ कनेक्ट होने का रस नहीं है, तो हमारे जीवन कैसे हो जाता है? एक किचन हो जाता है, किचन मतलब जहाँ पे कटकट है, है कि नहीं? मगर जो पहले के जमाने में क्या होता था, रसोई, जहाँ पे रस की खिलावट होती थी, वहां पे प्यार की अवेकनिंग होती थी, वो नहीं होता है फिर हमारे जीवन में, तो क्या हो जाता है? किट 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 किचन। तो ऐसे ही है, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट द मॉडर्न, मॉडर्न जो भी आ रहा है, मगर हम वेस्टर्न बन रहे हैं, मॉडर्न नहीं बन रहे, है कि नहीं? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ मॉडर्न पर्सन एंड बीइंग अ वेस्टर्न पर्सन। सो आज के डेट में क्या हो रहा है, जो हमारे पुरखों ने ये एनक्रिप्ट करके दिया था हमें शास्त्रों, वो हम डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे, सिंपल लैंग्वेज एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एनक्रिप्शन में पजल लैंग्वेज में सब दे दिया है, साउंड, बिकॉज साउंड इज द फंडामेंटल यूनिट, इट्स नॉट मी हू सेइंग, बट नाउ द क्वांटम फिजिक्स इज सेइंग इट टू अस दैट वी आर जस्ट अ वाइब्रेशन, आवर डीएनए इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, एंड इफ दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंज, इट्स इफ इट्स नॉट इन नेचुरल ऑर्डर देन वी बिकम इन अ डिसऑर्डर। अगर हम स्वस्थ के तरंग में नहीं है तो किस में है हम? अस्वस्थ की तरफ। स्वस्थ मतलब ही क्या? जो खुद के साथ कनेक्टेड है, स्व में अस्त है। हेलो, सुना आपने? स्व में अस्त है। आर यू सिचुएटेड विद योर विद इन? और क्या है आज के डेट में? आज के डेट में इतना केओस क्यों है? आज के डेट में इतने प्रोटेस्ट क्यों है? आज के डेट में इतने एडिक्शंस क्यों है? टेक्नोलॉजी के साथ एडिक्शन क्यों हो रही है लोगों के साथ? या लोगों में इतना फाइट वाला बिहेवियर क्यों है? व्हाई इज दिस एज ऑफ नाउ बहुत राइज में है ये? या नेचर में इतने इंबैलेंसेस क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? अस्वस्थ, एग्जैक्टली। हम धर्म पे नहीं है, हम हमारे धर्म पे नहीं है ना। धर्म मीन्स वॉट? इज इट द रिलीजन? Because all over the world people are fighting with religion, so is it the religion? So dharm means खुद के साथ जो connect होता है, धर्म जो माँ को पकड़ के रखता है, माँ को धर के रखता है,
जो माम को पकड़ के रखता है, धर्म, बहुत सिंपल है संस्कृत, आपको सिर्फ आपको प्रोग्राम किया है वेस्टर्नर्स ने, ये बहुत डिफिकल्ट।